नमस्कार, इन खबर में स्वागत है आपका और मैं आपके साथ जूही। सनातन धर्म को लेकर चर्चाओं के बीच अब सरकार ओम शब्द पर रोक लगाने का प्रयास कर रही है। इससे पहले आपके जहन में नरेंद्र मोदी जी का नाम आया, आपको बता दूं ये भारत सरकार नहीं बल्कि नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पा कमल दहल जी का फैसला है। जैसे कि आप सब जानते हैं, 2008 के बाद नेपाल कैसे हिंदू राष्ट्र से हटकर अब एक सेकुलर देश बन चुका है। इसी बीच अब पुष्पा दहल जी ओम श्री विद्या जैसे शब्दों को डिक्शनरी से हटाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ऐसे ही एक कोशिश 2016 में भी की गई थी, मगर तब सर्वोच्च न्यायालय से इस मांग को खारिज कर दिया गया था और अब एक बार फिर प्रधानमंत्री की तरफ से इन शब्दों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें, नेपाल में कुल 80% हिंदू आबादी बसती है। इस बीच हिंदू समाज की प्राचीनता, सांस्कृतिक और उनके इतिहास से जुड़ी निशानियों को मिटाने का प्रयास करना वाकई एक दुर्भाग्यपूर्ण मानसिकता है। इस फैसले के विरोध में हिंदू जनता कई महीनों से सड़क पर प्रदर्शन करके अपना आक्रोश दिखा रही है। साथ ही हिंदू सभ्यता से जुड़े शब्दों को हटाने की कोशिश कर रहे प्रधानमंत्री को लेकर हुंकार भर चुकी है। मगर कब तक सनातन संस्कृति पर यूं ही प्रहार होते रहेंगे? कभी भारत, कभी नेपाल, तो कभी विदेशी भूमि पर हिंदू धर्म को लेकर नफरत अक्सर देखने को मिलता है। आप कल्पना कर सकते हैं, किसी देश के बहुसंख्यक लोग अपने ही हक और धर्म के लिए अल्पसंख्यकों के सामने विकलांग बने मुंह दाबे खड़े हो। जाते जाते एक बात जरूर कहूंगी कि सनातन को मिटाने की कल्पना रखने वाले विदेशी आक्रांता तो चले गए, मगर भूरे आक्रांता अब भी देश की गद्दी पर बैठे हैं। यूं ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इन खबर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।